डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक्साइटेशन पोटेंशियल, उत्तेजन विभव कहते हैं इसमें। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन है, पारा है, या हाइड्रोजन की जो मतलब गैस, यानी हाइड्रोजन गैस है, अगर किसी हम नली में इसको भर कर और इस पर पोटेंशियल वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उसमें जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है। ठीक है, एक्साइटेड, यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनीशन है, परमाणु पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का वह न्यूनतम त्वरक विभव, परमाणु पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का वह न्यूनतम त्वरक विभव जो परमाणु को इतनी ऊर्जा दे सके कि उसका इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, तो उत्तेजन विभव कहलाता है। यहाँ आयनन विभव और उत्तेजन विभव दोनों में डिफरेंस, अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो उत्तेजन विभव और एक डिफिनीशन है आयनन विभव। तो आयनन विभव का तात्पर्य वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन ये उसी में रहेगा, उसी सेल में ही रहेगा, और उसी सेल में, पहले सेल से दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएगा, जैसे इसको एनर्जी जिस फॉर्म में दी जाती है उसी तरह से अपने सेल एक निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ इसकी डिफिनीशन क्या है? अब जैसे कोई नली है इस तरह से, और इसमें हम क्या भर दें, इसमें जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसमें मान लेते हैं, और इसको हम वोल्टेज दें, तो यहाँ पे जब हम बैटरी से इसको वोल्टेज देते हैं तो 10.2, यहाँ इसका एक्सपेरिमेंट देखा गया कि 10.2, अगर 10.2 जो है वोल्टेज अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, पहले सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा यहाँ। तो पहले सेल से निकलने के लिए जो वोल्टेज है यहाँ पर वो 10.2 वोल्ट है। तो इसको ऊर्जा में अगर लिखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम सबको लिख सकते हैं, यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, 12.75 यानी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब इसमें जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है, इस एटम को जब एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा कहें या वोल्टेज कहें, जब भी हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसको एक तरह से ऊर्जा मिलती है जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, इन्हीं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले सेल में चला जाता है। इस घटना को कहा जाता है उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है, तो उत्तेजन विभव की जो डिफिनीशन है यहाँ पर, ये इसी तरह से लिखेंगे, परमाणु में टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का वह न्यूनतम त्वरक विभव जो परमाणु को इतनी ऊर्जा दे सके कि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है, तो उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। तो परमाणु में उत्तेजन विभव कई हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हमने तीन लिखे हैं तो तीन ही होगा, यहाँ पे और भी हो सकता है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, इसका उत्तेजन विभव भी अलग अलग होता जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे जो आयनन विभव है, आयनन विभव, तो हाइड्रोजन का जो आयनन विभव होता है वो पहले सेल में जो इसकी ऊर्जा होती है टोटल, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसको हम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देते हैं तो वो आयनित अवस्था में चला आएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है वहाँ पर आयनन विभव। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से बाहर निकल जाएगा, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर आयनन विभव। और उत्तेजन विभव हाइड्रोजन परमाणु के बहुत हो सकते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज का मान आप बढ़ाते जाएंगे, इसमें जो है आपको परमाणु इनमें उत्तेजन विभव का मान भी अलग अलग मिलता जाएगा। इसमें